रहमान रहीम, मैं सैयद कलवे जवाद लखनऊ से बोल रहा हूं और मुझे ये ख़बरें मिल रही हैं कि पुलिस बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ कर रही है, बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ कर रही है। शाहगंज में कोई भादी इलाका है, कहाँ वहाँ के घर में घुस कर उन्होंने तारियों को फाड़ा है और तारियों के साथ बेहरमती की है। और वो कहते हैं कि हमारे पास गाइडलाइन नहीं है, हमारे पास कोई इजाज़त नहीं है और हम लोग अवनीश अवस्थी जो से कहते कहते थक गए कि गाइडलाइन जारी करो, लेकिन वो शख्स जो है वो गाइडलाइन जारी नहीं कर रहा है, अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है वो। लिहाजा हम ऐलान करते हैं कल से मजलिस में फरम आपकी नहीं पढ़ेंगे, कल से मजलिस नहीं, अगर गाइडलाइन जारी नहीं होती कल से मजलिस बंद है, हम मजलिस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की जा रही है, बहुत ज़्यादा ज्यादती की जा रही है और वहाँ यहाँ के ऊपर महात्मा बुद्ध के मुजस्मे के साथ कुछ मुसलमानों ने ज्यादती करी थी, आज तक वो बंद हैं, वो आज तक उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और हमारे ताजिए फाड़े जा रहे हैं और उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जा रही है, सिर्फ हमारे साथ जिद और हठधर्मी से काम लिया जा रहा है। जबकि शिया जो है हमेशा उन्होंने साथ दिया है, लेकिन उसके साथ भी हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ बदतमीजियाँ हो रही हैं और हमारे साथ जो है वो मिसबिहेव किया जा रहा है। लिहाजा हम ऐलान करते हैं कि हम कल से मजलिस और वापसी नहीं पढ़ेंगे अगर गाइडलाइन जारी नहीं की गई। ये सुन ले गवर्नमेंट, अच्छी तरह से सुन ले, हमें उनकी कोई भी ज़रा से भी उनसे डर और झिझक नहीं है, सिर्फ हम चाहते हैं कि हम कानून की पाबंदी करें, कोरोना की पाबंदी करें, घर के अंदर ताजिया रखने से कोरोना कौन सा टूट रहा है, कौन से यहाँ गोल दरवाजे पर जाकर देख लो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर बैनर ना लगा हो, हर धर्म का बैनर वहाँ लगाया जाता है, सिर्फ हमारे पाबंदी लगा दी जाती है, छोटी सी कौम के ऊपर ज्यादती की जाती है। हम माइनॉरिटी हैं, हम पर कुचला जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें सपा के ज़माने में कुचला गया, हमें BSP के ज़माने में कुचला गया, हमें कांग्रेस के ज़माने में कुचला गया, उसी तरह से BJP के ज़माने में भी हमको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है और कौम वाले हमारे नाराज़ हैं कि भाई चोरी गाइडलाइन जारी होती है। लिहाजा हम बायकॉट का ऐलान करते हैं मजलिसों को, मजलिस हमारे कल से हम नहीं पढ़ेंगे, जिसका और भी चाहे पढ़े ना चाहे ना पढ़े, लेकिन हमारी मजलिस कल से नहीं होगी अगर गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं होगी। ये आप लोग सब सुन लें, ये हमारी तरफ से ऐलान है और हम सख्ती से BJP की मजम्मत करते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादती हमारे साथ की है।